Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सागर पर लगाया वनराज शाह ने घिनौना इल्जाम, मगर मीनू ने दिया सागर का साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो वो बात सामने आ गई जिस बात को लेके हम लोग बात कल कर रहे थे कि हादसा होगा और उसके आगे क्या होगा, और हादसे के बाद जो हुआ है वो सच में घिनौना ही है। तो बात करेंगे आगे इसके बारे में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सागर हेल्प करने गया था बिल्कुल अनुपमा की तरह, मगर पड़ गई उसके ऊपर उल्टी। क्योंकि ये जो वनराज शाह एंड उसके जो भी गिद्ध हैं, सपोले हैं, जो भी हैं, ये सब इसी ताक में रहते हैं कि कैसे भी करके इनको नीचा दिखाया जाए, जो गरीब है उनको नीचा दिखाया जाए, और सागर को खास करके, क्योंकि सागर गरीब होते हुए भी पढ़ कैसे सकता है, लॉयर कैसे बन सकता है, और अनुपमा के साथ जुड़ा है तो और भी ज्यादा उनकी ड्यूटी बनती है कि सागर को नीचा दिखाना। तो सब लोग आ गए हैं और वनराज शाह उसको लातों से और घूसों से उसको पीट रहा है जैसे कोई इंसान नहीं, कुछ पता नहीं क्या होता है। बड़ा बुरा लगा ये सीन देख के, आगे हम एपिसोड में भी देखेंगे, मगर जब ये देखा तो दिल बहुत ज्यादा घबरा गया कि ये किस तरह का इंसान है। पहले तो जुबान से लोगों को मारता था, अब तो लातों घूसों से भी मारने लग गया है। ये वनराज शाह की बड़ी तरक्की जो हो रही है बड़ी ही अनइजी कर रही है। खैर, वनराज शाह ने इल्जाम जो लगाया है वो उससे भी ज्यादा खराब है कि सागर जो है इंटेंशनली पाइप पे चढ़ा और मीनू को नहाते हुए देख रहा है। ये एक किसी भी यूथ के ऊपर बड़ा एक गंदा इल्जाम है, और वो भी उस पे जो हमेशा इनकी मदद करता है। अब यहां पे बहुत बड़ा तमाशा है जो अनुपमा आती है, अनुपमा हैंडल भी करती है, मगर मीनू यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि इतना तो किसी भी लड़की को समझ में आ जाता है कि कौन किस नजर से देख रहा है। मीनू ने सागर के साथ सफर भी किया है, ऑटो में आई है वहां से, एयरपोर्ट से और घर तक आई है, उसको दिख गया था कि सागर इस तरह का लड़का नहीं है, इसलिए मीनू ने सामने आके अपने मामा वनराज शाह को मना किया कि आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे, कोई कंप्लेन नहीं होगी सागर के खिलाफ। और ये बात जो है वनराज शाह को हजम नहीं हुई। और इस पूरे सीन में एक और बात सामने आती है, तो जब ये वनराज शाह अनुपमा को ये कहता है कि तुम्हारी भांजी को ऐसे ऐसे करके बोलता है, तो बड़ी ही अजीब लगी। तो मुझे याद है कि वनराज शाह पे तो ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कि ना जाने कैसे पल में बदल जाते हैं, वही ये दुनिया के बदलते रिश्ते। तो तुरंत उसने मीनू को उसकी भांजी कह दिया कि तुम्हारी भांजी को छेड़ा, जो कल कह रहा था कि तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, और मीनू को भी ये समझा रहा था। तो आज जैसे ही पासा लगा कि इसको एक विकेट तो आशा भवन का डाउन करना चाहिए, तो उसने तुरंत पासा पलटा और अनुपमा को शीशे में उतारने के लिए भांजी रिश्ते को सामने लाके खड़ा कर दिया। तो ये है भाई वनराज शाह और ये है उसके इल्जाम। मगर जैसे कि सब लोग जानते हैं कि बहुत जल्दी हमने भी वीडियो डाला है कि वनराज शाह जो है आदमी सड़क का बनने वाला है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसके आगे भी बहुत अच्छी स्टोरी हमें देखने को मिलेगी, उस पर भी जल्दी चर्चा करेंगे। तो कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।